और गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि आज मैं नन्हे बच्चों के ये सेशन लेके आया हूँ। जब हम छोटी क्लास में थे हमें बताया जाता था कि उससे पहले सॉरी, मैं आशा करता हूँ कि छोटे बच्चों आप बहुत खुश होंगे, खेल रहे होंगे क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं है। इसी तरीके से अच्छा खाओ, अच्छा खेलो और अपने माँ बाप की इज्जत करो, ठीक है। इसके अलावा कोई और काम नहीं करना आपको, ठीक है। और एक बार बचपन बीत गया ना नन्हे बरिश्तो, फिर पता चल जाएगा कि परी और परा कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्लास नन्हे बच्चों, हमें कई बार देखा है कि हर जगह कहा जाता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हम कैसे करें कि 180 कैसे होता है। बस हम याद कर लेते हैं कि 180 कैसे है। तो आज मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि इसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ मेरे पास ही है, बहुतों के पास है, बहुतों को पता है, लेकिन बस आप तक पहुंचना चाहिए, चाहे कैसे भी पहुंचे। सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूँ क्लास। अब सुनना, आप सबसे पहले यहां पे एक लाइन ड्रॉ करोगे, सपोज एक्स वाई, आपने लिखा ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू बीसी, और वो बीसी के पैरेलल होनी चाहिए, बस, ठीक है ना। अब इसके बाद सुनना क्या होगा। मान लो इस वाले एंगल को नाम वन दे दिया, इस वाले को टू दे दिया, और ये वाला तो हमारा क्या है, ए है। सुनते रहना। अब आपको पता होगा नन्हे फरिश्तों कि दो लाइन पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल हो, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। इन्हें कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से क्लास, ये लाइन पैरेलल है, तो ये जो बी ए बी है ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, तो ये एंगल वन है, तो ये भी क्या होगा, एंगल वन होगा। तो हमें यहां से क्या पता चला कि एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल वन के। आंसर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जो भी कह दो। इसी तरीके से क्लास, ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, तो एंगल 2, ये भी एंगल 2 के इक्वल होगा। तो एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल 2 के, सेम रीजन। अब क्लास आपको पता होना चाहिए, सीधी लाइन पे चाहे मैं एक पॉइंट पे कितने भी एंगल बना दूं, मैं कितने भी एंगल बना दूं, इन सब का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये पूरा तो 180 था, और इसको कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो बस इसी तरीके से एंगल वन, एंगल टू और एंगल ए, इन तीनों का सम कितना होगा नन्हे फरिश्तों, 180 डिग्री। और वन किसके बराबर है, बी के, और टू किसके बराबर है, सी के। तो एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए बराबर 180 डिग्री। और मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आज के बाद आपको जब भी कोई कहेगा कि ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो आपको पता होगा कि ये कैसे हो। इसी तरीके से आपके दिल में कोई भी डाउट हो, नन्हे फरिश्तों के लिए तो मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, इतना सॉफ्ट कि काला गुलाब जामुन जैसा, ठीक है ना। आपके मन में कोई भी डाउट हो मैथ में, साइंस में, आप मुझे कमेंट में बोलना, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपका मदद हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।